नमस्कार मित्रों, डिजार्पण चैनल के स्नैपडील लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम क्लास टेंथ की एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपके लिए इस चैप्टर की सारी सवालें धुआं होने वाली हैं, यानी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो है इसमें कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं। बड़ा मज़ेदार सिलेबस है आज ना। आज दुश्मनी करके पढ़ते हैं। दुश्मनी करके कैसे? आज हम मान लेते हैं कि 2 और 5 हमारे दुश्मन हैं। इस अध्याय के लिए मानना क्या है कि 2 और 5 हमारे दुश्मन हैं। तो देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो अथवा 2 और 5 दोनों हो, तब वहाँ शांत दशमलव होगा, अन्यथा अशांत होगा। क्या कहना चाहता हूँ इसे देखिए, पहला प्रश्न पर चलते हैं तब समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न दिया है 13/3125, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये स्टेप में समझते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिए कि ये जो 3125 है ना, इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। तो 3125 का गुणनखंड करेंगे तो ये लास्ट में 5 है, यानी 5 से जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30 बचा 1, और उधर गया कितना 2 है, 5 6 का 30 और 5 2 10 और फिर बच जाता है 2, तो 5 25 ये 625 हो गया। फिर 5 से कटेगा तो भाई 5 51 5, 5 2 10 और फिर 5 25, फिर 5 से कटेगा तो फिर 5 से काटेंगे 5 2 10 और 5 25, फिर 5 से कटेगा तो भाई ये हो गया कितना 5 25, फिर 5 से कटेगा और फिर हमें मिल जाएगा 1। ये कैसे किया जाता है ये पिछले प्रश्नावली में आपको बताया जा चुका है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, कुल कितने 5 हैं, 5। अब इसी को हम यहाँ पर यानी 13/3125 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी 5 बार 5। तो हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्टेप 1 में इतना करना है। अब स्टेप 2 में क्या करना है उसे ध्यान दीजिए। अभी हमने माना था कि 2 और 5 दुश्मन के बेटे हैं। अगर दुश्मन का बेटा दिख जाए तो उसको जाने दोगे कि पकड़ के पहले धुनैया करोगे, तो पिटाई होगी। तो 2 और 5 अगर मिल जाते हैं तो सीधे कह देना कि ये हो जाएगा क्या, शांत। तो देखिए इसके हर में कितना मिला आपको, 5 मिल रहा है कि नहीं। देखिए ऊपर हमने देखा था, अभी देखा था कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 हो या केवल 5 हो अथवा 2, 5 दोनों हो, तब वहाँ शांत दशमलव होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे 13 × 5 की घात 5 और कह देंगे शांत दशमलव है। आई थिंक बहुत सिंपल बात है। एक और कर लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरा दिया है 17/8। तो सबसे पहले स्टेप 1, ये रफ कार्य है, ठीक है। स्टेप 1, 8 को इधर लाओ, गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करेंगे, ये होगा 2 2 4 8, ये 4, फिर 2 2 2 4, फिर 2 2, ये मिल गया हमको 1, यानी इसका गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 2। तो हम इसको लिखेंगे 17/2 × 2 × 2। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में देखेंगे कि दुश्मन का बेटा कोई है, यानी 2 और 5 हैं कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 ही 2 दिख रहा है, यानी 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 17, और ये 2 कितने 2 हैं, 3 2 हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और कहेंगे कि ये प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव दशमलवा नहीं दशमलव है, ये प्रसार शांत दशमलव है। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। आगे चलते हैं।
तीसरा प्रश्न है कि 64/655। तो भाई हम पहले क्या करेंगे, स्टेप वन में इस 655 को इधर उठा लाएंगे। ये हो गया 655, किडनैपिंग हो गई। अब इसकी काटा छाटी होगी यानी कटेगा। तो आइए देखते हैं कितने से कटेगा। ये कटेगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो हम कह सकते हैं कि सॉरी 4, 6 नहीं है, 4 है, ध्यान नहीं दिया। अब ये हो गया 9 × 45 होता है, तो ये हो गया 9 और 5 × 5 91। यानी अब ये कटेगा 91, कटेगा 7 से, तो ये हो जाएगा 7 × 7 और 7 × 21। और फिर ये 13 से ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 1। अब हम देखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे। ये हो गया 64/5 × 7 × 13। अब देखिए स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में देखना है कि इसके गुणनखंड में 5 और 2 आए हैं कि नहीं। तो भाई 5 तो 1 है, लेकिन शांत तभी होगा जब या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर ये दोनों हो, उनके अलावा कोई और संख्या मिली नहीं कि अशांत हुआ नहीं। फिर से मोटी मोटी बात याद रखनी है कि सिर्फ हमें 2 चाहिए या तो 5 चाहिए, यानी या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए या फिर दोनों चाहिए, लेकिन इनके अलावा कोई नहीं चाहिए। लेकिन इनके अलावा देखिए 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अशांत। बाकी आप लिख लीजिएगा। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है ना। फिर से मोटी मोटी बात हमें ये याद रखनी है कि या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, लेकिन इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। 2 और 5 हो तो शांत, 2 और 5 के अलावा कोई आ गया तो अशांत। अगला प्रश्न है 15/1600। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसमें एक बार आप प्रयास करके तब वीडियो को देखेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज कर दीजिए, एक बार प्रयास कीजिए इस पर, फिर वीडियो देखिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले लिख लेंगे हम 1600, ये हमने लिख लिया। अब हम इसके करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करते हैं। ये होगा 2 2 8 16 और ये उतर जाएगा 0 0, फिर 2 2 4 8 ये उतर जाएगा 0 0, फिर 2 2 2 4 फिर उतर जाएगा 0 0, फिर 2 ये हो जाएगा 100। फिर भाई कितने से कटेगा, 2 से ये हो जाएगा 50, फिर 2 से ये हो जाएगा 25, फिर 5 से और फिर उतर जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5, आ जाएगा 1। यानी कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 2 हो गए और 1 2 5 हो गए। आइए अब इसको लिखेंगे हम कैसे। ये हो गया 15/6 × 2, यानी 2 × 2 × 2 × 2 फिर 2 × 2 × 2 2 2 3 3 और उसके बाद क्या, 5 × 5। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 और ये 2 की घात कितनी, 6, क्योंकि 6 2 हैं और 5 कितने हैं, 2 5 है, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए हर में 2 भी है और 5 भी है ना, या तो दोनों में से एक होता और दोनों आ गए तो और अच्छी बात है। अब जब दोनों आ गए तो ये हो जाएगा क्या, 7.5, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 29/343। 343 को हम इधर ले आए, 7 से कटेगा। अब जब 7 से कटेगा तो ये देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 × 4 = 28 और 7 बचेगा 9, यानी 9 63। फिर उसके बाद कितने से कटेगा, 7 से, 7 × 7 = 49 यानी 7। फिर कितने से कटेगा, 7 से आएगा कितना, 1, यानी कितने 7 आ गए, 3 7। तो हम लिख सकते हैं 29/7 × 7 × 7, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 29 कितने 7 हैं, 3 7 हैं, तो 7 की घात 3। और ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि 23/2 × 5 / 3। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 2 भी मिल गया और 5 भी मिल गया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये शांत होगा,
आपको पता है ना, क्योंकि दो है और पांच है, हमें यही तो चाहिए था, क्योंकि यही दोनों तो दुश्मन के बेटे हैं। मिल गए पकड़ लो, जाने मत दो। छठा प्रश्न दिया है कि 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो 2 और 5 होते तब तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा भी आ गया है, और इसके अलावा कोई दूसरा दिखा नहीं कि अशांत हमने किया नहीं। इसका मतलब ये हो गया क्या, अशांत, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। दूसरा कोई आता है तो अशांत हो जाएगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आया तो अशांत, और 2 और 5 है हमारे पास तब वो अशांत। इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। छठा प्रश्न जो है 6/15 है। देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 यानी 2 × 3 = 6। 15 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 × 3 यानी 5 × 3 = 15। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 2/5। तो हर में 5 आ गया ना, हर में कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। समझ में आया, फिर से 6 को हम लिख सकते थे 2 × 3, 15 को हम लिख सकते थे 15 × 3, 3 से 3 कट गया, और जो बचा वो बचा 2/5। अब हर में या तो 5 हो या तो 2 हो या फिर दोनों हो, तो यहाँ पे कितना है, 5 है, दोनों में से एक मिल गया, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, आगे चलते हैं। ये है 35/50। इसको एक बार आप करेंगे, पेन और पेपर लेकर बैठा करिए मैथ के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम 50 लिखेंगे, आइए इसकी काट छाट करते हैं। ये हो गया 2, ये बचा 25, फिर 5 से जाएगा, फिर आएगा 5, फिर 5, 515, ठीक है। यानी हम 35 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, और फिर इसे आसान रूप में लिख सकते हैं 2 × 5 की घात 2, क्योंकि 2 5 है। तो अब देखिए हर में हमें क्या चाहिए, या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए, यहाँ पर दोनों हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है शांत। आगे लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 77/210। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 210 का फैक्टर करेंगे। ये हो गया 2 × 1 = 2, 1 उतारा, फिर आया 0 × 5 = 10। अब ये 2 से कट गया, अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 3 से, यानी 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। अब ये 3 से कट गया, अब ये कटेगा 5 से, 5 से कटेगा तो 5 × 7 = 35, और ये 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो हम इस 7/5 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7। अब देखिए 2 भी था 5 भी था, लेकिन इनके अलावा 2 और आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि हमें केवल 2 और 5 चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब कहता है दूसरा प्रश्न कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला वाला था 13/3125, ये शांत आया था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13/5 की घात 5, अभी हमने लिखा ना वहाँ पे पीछे, देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है, ये 13/5 की घात 5, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा काम क्या है कि हमारा काम ये है कि यहाँ पर इस 5 में किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि हमें 10 मिल जाए। तो भाई 5 में किससे गुणा करेंगे कि 10 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 2 से। अच्छा 5 में 2 से गुणा करेंगे तब तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी घात कितनी है, 5, तो ऐसे डायरेक्ट तो गुणा नहीं हो जाएगा, इसका मतलब इसकी घात भी कितनी होनी चाहिए, 5। अब ठीक है, अब गुणा हो जाएगा। तो अब देखिए जितने से हम नीचे गुणा करेंगे ना, उतने से ही हम ऊपर भी गुणा करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सर ऐसा क्यों करेंगे, तो सर के भैया इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि ये 2 की घात 5 से ये 2 की घात 5 कट जाएगा, और फिर से हमें 13/5 की घात 5 मिल जाएगा। ये तो हम अपना दशमलव प्रसार करने के लिए लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 2 5 बार, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, और ये हो गया 5/5, ये हो गया कितना, 5 × 2 = 10, 10 हुआ। अब देखिए 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5 ना, 10 की घात 5 हो जाएगी ना। अब देखिए क्योंकि गुणा हो गया तो घातें क्या हो गई,
दोनों की घातें एक ही थी। अब देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये हो जाएगा 13 गुणते 32 अपान 10 की घात 5। 13 32 का गुणा करने पर आएगा 416, और ये 10 की घात 5 है यानी 10 है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 0 है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अब हमें 1416 में 1 लाख से भाग देना है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ना। अब क्या होगा, इधर करके समझ लेते हैं, चलिए नीचे ही समझ लेते हैं, क्या हो जाएगा कि ये जितने जीरो हैं ना उतने अंक दशमलव इधर खिसकेगा, इस तरह से हमेशा दशमलव यहाँ पर होता है, ठीक है। अब जैसे जीरो से भाग देते चले जाएंगे दशमलव भागता चला जाएगा बाई ओर, ये बात आप बहुत पहले से जानते हैं। देखिए ये 6 था तो एक भाई 6 उतर गया, एक जीरो कट खत्म, दूसरा 1 आ गया, 1 आ गया, तीसरा जीरो गया तो 4 आ गया, भाई एक जीरो और था यहाँ पे कुछ नहीं था तो जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे एक जीरो फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो फिर जीरो बढ़ा देंगे, अब 1 है तो 1 के स्थान पे हमें रखना है दशमलव और उसके आगे हम फिर एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.00416, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला था हमारा 17/8, जो कि शांत आया था, तो 17/8 को हम लिख सकते हैं 17/2 × 2, और इसी 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब देखिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि नीचे आ जाए कितना 10, तो 10 को लाने के लिए हमें 5 से 2 में गुणा करना पड़ता है, और इसकी घात कितनी है 3 है, तो जाहिर सी बात है इसकी घात भी 3 होनी चाहिए तभी गुणा होगा। उसके बाद ये हो जाएगा कितना, हम ऊपर भी वही 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। अब जब ऊपर गुणा कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, और ये हो जाएगा 10 की घात कितनी 3, क्योंकि इनकी घात कितनी थी 3 थी। ये देखिए 17 × 5 में 3 बार गुणा करेंगे, 5 × 5 × 5, तो 5 × 25 = 25, 125, और जब हम ये 17 और गुणा करेंगे 125 में तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2125, और नीचे ये 1 कितने जीरो 3 जीरो, यानी 1 2 3 जीरो। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो भाई हमने कहा दशमलव यहाँ पे होता है, प्रत्येक जीरो के साथ बाईं ओर खसकता जाता है, तो 1 जीरो है, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 जीरो के लिए 5 लिखा, ये 5 हो गया भाई, चलिए दूसरा जीरो था ये 2 के साथ गया तो 2 हो गया, तीसरा जीरो था तो 1 के पास गया तो 1 हो गया, और 1 के स्थान पे हमें क्या मिल रहा है 2, यानी 1 आएगा तो हम क्या लगा देंगे दशमलव, उसके बाद शेष क्या बच जा रहा है 2, तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा, यानी दशमलव के रूप में हो जाएगा 2.125, यानी 1 2 5, कभी भी ऐसे 125 नहीं पढ़ते, दशमलव के बाद 1 2 5 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न था वो चौथा वाला था, और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और जब लिखेंगे तो 15/2 × 5 की घात कितनी आ जाएगी 2। अब देखिए हमारा उद्देश्य है कि 5 और 2 का गुणा हो जाए तो हमें 10 मिल जाए, लेकिन इसकी घात 6 है, इसकी घात 2 है, तो ऐसे तो डायरेक्ट गुणा कर नहीं सकते, इसकी घात भी 6 करनी पड़ेगी, तो जब इसकी घात 6 करनी है तो हम इससे 5 से गुणा करेंगे, 5 की घात 4 से। जब आधार समान होता है, ये सब 9वीं कक्षा का है, लेकिन फिर से एक बार रिविज़न करवा दे रहा हूँ कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी 2 और 4 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे 5 की घात 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी 5 की घात 4 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15 × 5 की घात 4, यानी 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 25 = 25, 125, और 125 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 625। अपान में करके हम लिख सकते हैं, ये हो गया 2 की घात 6, और ये गुणा 5 की घात 2 5 की घात 4, यानी ये 5 हो जाएगा और घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 4 हो जाएगा कितना 6। तो अब हम गुणा कर सकते हैं, जब ऊपर गुणा करेंगे 15 और 625 का तो ये आएगा 9 93 75, हमने पहले से गुणा करके रखा है इसके लिए, और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, और 10 की घात कितनी 6। आई थिंक आगे चलते, ये हो गया 93 75, और 10 की घात 6, यानी 1 2 3 4 5 6 6 0। अब हम भाग देंगे, भाग देंगे तो ये गया 1 5 आ गया, ये गया दूसरा 0 7 आ गया, ये गया तीसरा 0 3 आ गया, ये गया चौथा 0 9 आ गया, 5वें 0 के लिए 0, 6ठे 0 के लिए 0, और 1 के लिए दशमलव, और यहाँ पे 0,
तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। छठा था हमारा 23/2 और 5/2। अब भाई ऐसे तो गुणा हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक पाँच और चाहिए हमको, यानी एक घात और चाहिए, तो हम कह सकते हैं 23 ये 2/3 गुणते 5/2। अगर 5 से गुणा कर दें तो इसकी घात भी तो 1 होगी ना, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा और अंश और हर में 5 से गुणा, तो एक घात जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 23/2 गुणे 5/3 और 23/5 यहाँ पे 5 है, ये इधर आ जाएगा 23/5 और नीचे बचेगा 10/3। अब 23 का 5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 115/10^1, 2, 3, 3 0 ना। अब ये हो जाएगा कितना, 1, 2, 3 यानी 5, 1, 1 दशमलव लगा 0 यानी 0.115। अगला है हमारा 6/15 जिसे हमने हल करके 2/5 के रूप में लिखा था। तो अब देखिए ये भी शांत आया था। हमारा उद्देश्य क्या है कि हर में हमें 10 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 2/5 है, कितने से गुणा करें 5 में, 2 से, जब नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, तो 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10, तो ये आ जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा आंसर। देखिए एक थोड़ा सा अलग तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए 35 को हम क्या लिख सकते हैं, ये शांत आया था ना, तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 ना, 5 × 7 = 35, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 55 और 25 × 2 = 50, तो ये 1/5 से ये 5 कट जाएगा। अब हमारे पास देखिए हर में 10 भी आ गया, यानी बचेगा क्या, ये हो गया 7 और हर में हमारे पास 10 भी हो गया, तो कुछ करना भी नहीं पड़ा और इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.7 आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो से इधर आएगा, एक के लिए दशमलव लगा देंगे तो 0.7 और इस तरह से आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 35/50 से भी कर सकते हैं, 35/50 से भी कर सकते हैं, बस 2 से गुणा कर दीजिएगा, ये 100 हो जाएगा, ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 35 × 70 और ये हो जाएगा 100, एक जीरो कट जाएगा, फिर 10/7 आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अंतिम है, कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आइए देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक चीज़ बयान लीजिए आप, परिमेय संख्या को हम हमेशा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर कोई संख्या है जैसे 2.111 और इस पर लगा दिया बार, तो जिस पर बार लग गया ना वो भी हमेशा परिमेय संख्या होती है, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न बचपन का प्रश्न दे दिया है, बहुत आराम से समझ लीजिए, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए 43 और उसके बाद दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमको दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अगर दशमलव हमको यहाँ से हटाना है तो हमें कितने से भाग देना चाहिए, पहले तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर 9 जीरो से भाग दे दें, तो मैंने आपको बताया था कि भाग देने पर ये देखिए दशमलव इधर भागता चला जाएगा, यानी जितने से हम गुणा करेंगे उतने से हम भाग करेंगे, ये बचपन की बात है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज बता रहा था, ध्यान से समझिए। देखिए जैसे हमको दशमलव यहाँ से हटाना है, दशमलव किधर हटाने के लिए हमें जितने अंक ले जाना है उतने से गुणा करना पड़ेगा, तो हम कितने से गुणा करेंगे, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब 9 से गुणा किया है, इतने से गुणा किया है तो इतने से भाग भी करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये गुणा करने पर क्या होगा कि ये जो दशमलव यहाँ पर था वो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी दशमलव का काम ख़त्म, ये गुणा वाला तो अपना काम करके चला गया, लेकिन हमारे पास ये बच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 43 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपान करके क्या लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हमने कहा था ना, परिमेय संख्याओं को हम बटे में लिख सकते हैं, यानी ये बटे में आ गई, तो ये क्या है, ये है परिमेय संख्या, इजी है ना। दूसरा वाला दिया है 0, उसके बाद ऐसे 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 करके यहाँ तक लिखते लिखते आगे डैश डैश करता चला गया है। अब देखिए भाई यहाँ पर कहीं पर ख़त्म कर दिया होता तब तो हम जान जाते उतने से भाई, उतने जीरो लगा के भाग दे देते और ये दशमलव भाग के इधर आ जाता, लेकिन अभी इसके आगे हमें कितने जीरो लगाने हैं ये हमें थोड़ी पता है, यानी हम भाग दे के इसे हल नहीं कर सकते, और जब हल नहीं कर सकते तो हम कह देंगे कि ये संख्या हो गई अपरिमेय।
फिर से आराम से देखिए, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आगे तो इसने कोई संख्या लिखी नहीं, इसने डैश 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 लगा दिया। अब हमें थोड़ी पता है कि डैश डैश के बाद कितने जीरो लगाने हैं, 4 की 5 की 6 या फिर अनंत, तो हमें तो ये तो नहीं पता। अगर इसने यहीं तक दिया होता, 2 ही यानी 0 तक ही ये डैश डैश ना दिया होता, तब तो भाई हम इतने जीरो से भाग दे के, भाग और गुणा करके इसे भिन्न में बदल लेते, P/Q के रूप में लिख लेते। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसने डैश डैश दिया हुआ है, तो हम सीधा कह देंगे कि इसे हल ही नहीं कर पा रहे। तो भाई इसका मतलब सीधी इस बात है कि ये अपरिमेय संख्या है। थर्ड है कि 43.12345678 9, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस पर बार होता है 100% वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है तो मित्रों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास पहुंचा दीजिए, फैला दीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।